हजारों साल पहले गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और इसके बाद तीसरे दिन यानी पहले संडे को ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में ईस्टर पर्व मनाया जाता है। ईस्टर के मौके पर शिमला में क्राइस्ट चर्च में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ईस्टर के मौके पर राजधानी शिमला में क्राइस्ट चर्च में रविवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर सुबह विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ईस्टर ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में ईस्टर पर्व मनाया जाता है। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे, जिसे ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे के नाम से मनाते हैं। क्रिसमस के अलावा ईस्टर ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। दोनों ही पर्व यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार हजारों साल पहले गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को यरूशलेम की पहाड़ियों पर सूली पर चढ़ाया गया था। इसके बाद गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी पहले संडे को ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए। माना जाता है कि पुनर्जन्म के बाद यीशु मसीह करीब 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे थे। इसके बाद वे हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए, इसलिए ईस्टर पर्व का जश्न पूरे 40 दिन तक मनाया जाता है, जबकि आधिकारिक तौर पर ईस्टर पर्व 50 दिन तक चलता है। इस पर्व को ईसाई धर्म के लोग बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। शिमला के क्राइस्ट चर्च के पादरी सोहनलाल ने कहा कि यीशु मसीह ने सुख शांति और आपसी भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी को यीशु मसीह के संदेश को याद रखते हुए आपसी मेलजोल के साथ रहना चाहिए। आज जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के उपलक्ष्य में सवेरे 9 बजे पहले हमने एक प्रार्थना सभा की जो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। उसमें विदेशी भी और देश के भी काफ़ी टूरिस्ट भी हमारे साथ आराधना में थे और हमने प्रभु की आराधना की, उसके जी उठने के ऊपर विचार विमर्श किया और बधाई दी, और साथ ही हमने देश के लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह से कि हमारे खास करके आने वाले इलेक्शन में भी प्रभु शांतिपूर्वक सारे कार्य हो सके और अच्छी सरकार आए जो देश की भी एकता प्यार मोहब्बत को मजबूत करें और साथ ही आपसी भाईचारे को भी मजबूत करने के लिए प्रार्थना की, ताकि हमारे जो आपसी रिश्ते हैं और मजबूत हो सके कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दुनिया की एकता प्यार के लिए दी है और उसने भी यही आज्ञा दी कि हम परमेश्वर से और एक दूसरे से एक जैसा प्रेम रखें, और उसी बात को हम लेकर लोगों को उत्साहित करते हैं कि हमें भी परमेश्वर का भय रखना है और एक दूसरे की इज्जत करनी और एक दूसरे से प्यार करना है और नफरतें और लड़ाइयाँ जो भावनाएं हैं उनको हम दूर करके एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्यार की भावनाएं को बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।